వెళితే ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, ఆ లైవ్ చూద్దాం. సమజ్ ఆ జాయేగి పూరి పూరి పిక్చర్ ఇస్మే నరేంద్ర మోదీ జీ కా క్యా రోల్ హై, అనిల్ అంబానీ జీ కా క్యా రోల్ హై, అలగ్ అలగ్ లోగో కా క్యా రోల్ హై, పూరా పిక్చర్ పూరి పిక్చర్ దేశ్ కే సామ్నే ఆ జాయేగి. మగర్ మెయిన్ బాత్ యే హై కి HAL సే కాంట్రాక్ట్ చీన్ కర్ 30,000 crore రూపే నరేంద్ర మోదీ జీ నే అనిల్ అంబానీ కే జేబ్ మే డాలే. ఏక్ క్రైమ్ కియా, ఉస్ క్రైమ్ కో బచానే కే లియే దూసరా క్రైమ్, తీసరా క్రైమ్, చౌథా క్రైమ్, పాంచవా క్రైమ్ హోగా, మగర్ మే ఆప్కో బతా రహా హూ నరేంద్ర మోదీ పకడా జాయేగా. దేశ్ నరేంద్ర మోదీ కో ఛోడేగా నహీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ విపక్ష నరేంద్ర మోదీ కో ఛోడేంగే నహీ, క్యూకి నరేంద్ర మోదీ జీ నే 30,000 crore రూపే కి దేశ్ సే చోరీ కి హై, భ్రష్టాచార్ కియా హై. ఆప్ జైసే మేనే అప్నే కల్ ట్వీట్ మే బోలా, ఆప్ ఛుప్ సక్తే హో, ఆప్ జిత్నా ఛుప్నా చాతే హో ఛుపో, ఆప్ జిత్నా దౌడనా చాతే హో దౌడో, మగర్ ఆప్ అంత మే పకడే జాఓగే. యే దేశ్ హోషియార్ లోగో కా దేశ్ హై, ఇమాందార్ లోగో కా దేశ్ హై, ఔర్ యే సబ్ సమజ్తా హై. Well, one of you have to ask. Well, we'll have to go to Anil ji. Anil ji here. Oh, finance minister ne CVC ki baat ki. Finance minister ne apni beti ki baat nahi ki. Finance minister ne apni beti ki baat nahi ki aur Mehul Choksi ki baat nahi ki. CVC ki baat kar rahe hain. Finance minister se aap puchiye aur thoda bhaiya TV wale aap bhi dikha diya kariye. आपने पूरा ब्लैंकेट कर दिया था, डब ऑफ कर दिया था. मैं जानता हूं फाइनेंस मिनिस्टर है, मैं जानता हूं आप पे बहुत दबाव डाल सकते हैं, मगर थोड़ा सा मतलब फेयरनेस दिखा दीजिए. जेटली जी से आप उनकी बेटी के बारे में पूछिए. अनिल जी देव, अनिल जी देव, इट इज इलीगल फॉर द CBI चीफ टू बी रिमूव्ड. It is illegal for a new man to be given charge of CBI. किसको चार्ज दिया है? उस व्यक्ति को चार्ज दिया है जिस पर केसेस हैं. युवाओं, उस व्यक्ति को क्यों चार्ज दिया है? क्योंकि उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कंट्रोल कर पाएंगे. उस व्यक्ति के ऊपर केसेस हैं, प्रधानमंत्री CBI राफेल इंक्वायरी नहीं चाहते हैं. प्रधानमंत्री ने एक भ्रष्ट ऑफिसर को इंचार्ज डाला है कि वो उसको पकड़ के इंक्वायरी ना होने दे. मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये आपका पैसा है, ये आपके भविष्य का पैसा है, ये प्रधानमंत्री का पैसा नहीं है, अनिल अंबानी का पैसा नहीं है. अनिल जी देयर ऑन द राइट साइड सर, प्लीज डोंट गेट स्टैंड अप एंड आस्क, इट्स अनफेयर. देखिए, हम ऑपोजिशन पार्टी हैं, हमने अपना काम राफेल मामले पे ऑपोजिशन पे करा है और हम अपना काम करते जाएंगे. हमारा काम है कि जहां पे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं हम जनता को बताएं. हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, कोर्ट की जगह है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपना काम करना है. मगर हमारा काम जो देश के लिए जरूरी इश्यूज हैं उसको उठाना है, और ये 30,000 crore रुपए का जो भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने किया है ये देश को बताना है, इसके बारे में हमारा काम है और हम वो काम पूरा कर रहे हैं. सुप्रिया हियर, now every Indian institution is going to protect the Prime Minister from Rafael, and every single Indian citizen is going to find out the truth about Rafael. There is no institution that the Prime Minister is going to leave to save himself. He will attack every institution, he will do whatever he has to do to save himself. And we will do whatever we have to do to tell the country that the Prime Minister has been corrupt, has given 30,000 crores to Mr. Ambani. And dekhiye,
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, केस में ऑब्जेक्टिवली आप देखना चाहते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाते हैं, अनिल अंबानी उनके साथ डेलीगेशन में जाते हैं, बिना किसी से पूछे प्राइम मिनिस्टर कॉन्ट्रैक्ट को बदलते हैं। हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है मुझसे तो नहीं पूछा, परिकर जी 30,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। हॉलैंड, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हमने नहीं कराया, हमें तो मोदी जी ने कह दिया था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, 526 करोड़ का 1600 करोड़ में खरीदा। अरुण जेटली जी ने बात की, हमने अरुण जेटली जी से कहा देखिए बात बंद कीजिए, एक काम करिए जेपीसी लगा दीजिए, उसमें पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा होगी, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा होगी। अरुण जेटली चुप हो गए, आपके सामने अरुण जेटली ने ट्वीट किया, मैंने बोला भैया जेपीसी लगाइए, मोदी जी से पूछिए, करिए, चुप हो गए। शायद आपने उनसे फिर से नहीं पूछा क्योंकि आप थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर से पूछने में घबराते हो, पूछा आपने, आपने पूछा। अब बात चली पब्लिक डोमेन में आ गई, पब्लिक डोमेन से गई अरुण जेटली जी, यशवंत सिन्हा जी उसको सीबीआई में ले गए, और एक्चुअली अगर आप देखें तो एविडेंस बिल्कुल क्लियर है। आमतौर से सरकार छोटी सी छोटी चीज खरीदती है, टेंडर होता है, छोटी सी सड़क बनती है, टेंडर होता है, यहां पे टेंडर हुआ, 126 हवाई जहाज खरीदने की बात हुई, प्राइस फिक्स हुई, प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, टेंडर कैंसिल करते हैं, नया नई डील कर देते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है। पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को प्रधानमंत्री ने स्वयं तोड़ा और अपना नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ना डिफेंस मिनिस्टर को मालूम, ना डिफेंस मिनिस्ट्री को मालूम, ना किसी को मालूम। तो प्राइमा फेसी देयर इज अ ह्यूज केस, इट्स ओपन एंड शट। द मोमेंट एन इंक्वायरी स्टार्ट्स इन सीबीआई, द प्राइम मिनिस्टर इज फिनिश्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर नोज दैट। वो मतलब एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको मालूम है जैसे सीबीआई में इंक्वायरी शुरू हो गई प्राइम मिनिस्टर गए। तो दिस वॉज ए, इट वॉज सुइसाइड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू अलाउ ए इंक्वायरी इन सीबीआई, सुइसाइड, नथिंग एल्स। एंड टू प्रिवेंट सुइसाइड उन्होंने उनकी हत्या करनी पड़ी, मगर उनकी हत्या नहीं हुई क्योंकि अब वो लड़ाई चल रही है उनको रीइंस्टेट करने की। तो दैट इज द ओवरऑल थिंग, बट यू हैव टू नोटिस द थ्रू आउट ऑल दिस द प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड अ वर्ड। मैं आपके सामने आता हूं, आप मुझसे जो सवाल पूछना चाहते हो पूछते हो, आप प्रधानमंत्री को यहां ऐसी जगह बैठा दो और उनके सामने 3-4 सवाल राफेल के पूछ लो, टेबल छोड़ के भाग जाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे यहां पे। दैट इज रियलिटी, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। अब मैं कहता हूं बुला लो, यहां बुला लो, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मैं आपके साथ एक दिन जर्नलिस्ट बन जाऊंगा और मैं 3 सवाल पूछूंगा, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है और सच्चाई देश के हर युवा को समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है, आपके भी चेहरे मतलब उस साइड कैमरा में नहीं दिख रहे बट इस साइड तो क्लियर है। ज़ेबा, अब अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार मैं यहां कैमरा लगाऊंगा। वही तो पूरा मतलब हमारा डिस्कशन वही हो रहा है, सीबीआई को बेसिकली सीबीआई को खत्म कर दिया है, बिना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बिना चीफ जस्टिस के पूछे सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया, तो दैट इज द इट्स इलीगल। मतलब वो सीबीआई का डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था, वो तो आप उससे पूछिए,
नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, मैं इस कमरे का कंट्रोल कर रहा हूं और वहां पे एक आदमी मतलब कंट्रोल से बाहर चला गया तो होता है। जेब, आई विल कम टू यू मैम, आई हैव आस्क्ड हर। Who has said it? Do you realize what happens to Dassault if they say anything other than what the government wants? Do you realize that? I mean, you understand economic incentives, or you don't understand them? It's very simple. Dassault is sitting on a contract. The government of India cancel that contract. Dassault is going to say exactly what government of India wants. However, if you go into lower officers of Dassault, there was an article where the emails that were flowing inside Dassault and the conversations that were being had inside Dassault, they are all indicating that Dassault was told that Mr. Anil Ambani should be given the contract. Also, Mr. Holland has said it. Mr. Holland was the person, remember, who signed the deal with the Prime Minister.